नागपुर शहर में हत्या का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। जरीबट का पुलिस स्टेशन के हद में 24 घंटे में हत्या का यह दूसरा मामला सामने आया है। अब की बार हत्या जरीबट का मार्केट में दिन दहाड़े हुई, जिससे लगता है कि शहर में अपराधियों के हौसले बुलंदियों पर है। 24 घंटे में दूसरी हत्या की घटना अब चिंता बढ़ाने वाली है। जरीबट का पुलिस स्टेशन की हद में 24 घंटे में दूसरी हत्या की घटना सामने आई है। मृतक का नाम जीतू गर्गानी बताया जा रहा है। मारने वाला उसका ही नजदीकी दोस्त राजा होने की बात की जा रही है। हत्या का सही कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। अवैध धंधे को लेकर यह हत्या होने का शक जताया जा रहा है। पुलिस ने मृतक का पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना को 3 लोगों ने अंजाम देने की बात की जा रही है। इस पूरे घटना का वाकया सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। न्यूज लिखे जाने तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। बहरहाल 24 घंटे में एक ही परिसर में हत्या की इस दूसरी घटना ने नागपुर पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। होली के बाद से लगातार शहर में विभिन्न जगहों में हत्या की घटनाएं सामने आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलेश हजारे के साथ प्रकाश शुंकलवार और रितेश बोरकर की न्यूज महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए। नागपुर शहर में आज क्राइम के कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें मानकापुर पुलिस स्टेशन की हद में शादी का लालच देकर बलात्कार करने की घटना पुलिस ने कार्रवाई कर 26 वर्षीय आरोपी वर्धा निवासी सौरभ अंबाते को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फेसबुक पर पहले तो दोस्ती की, फिर बार बार लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए। लड़की ने जब शादी के लिए कहा तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। पचपौली में मोबाइल मिसिंग की कई घटनाएं सामने आती रहती है। पिछले बार 17 मोबाइल पुलिस स्टेशन की हद में मिसिंग थे, जिन्हें पुलिस ने कार्रवाई कर बरामद किए थे। इन मोबाइल को उनके सही मालिक को सौंप दिया गया था। इस बार भी 11 मिसिंग के मोबाइल पुलिस ने जब्त किए थे, जिन्हें आज पचपौली पुलिस ने डीसीपी मतानी के उपस्थिति में उनके सही मालिकों को सौंप दिया है। बरामद के मोबाइल में कई मोबाइल महंगे कंपनी के थे, जिनकी मिसिंग के बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने उसे उसके आधार पर ही कार्रवाई कर उनके सही मालिकों तक उन्हें पहुँचाया है। पोलिशन पाचपावती अंतर्गत बऱ्याच इसमांचे मोबाईल हरवत असतात, ते पोलिशनला रिपोर्ट देतात। त्यानंतर आम्ही त्या मोबाईलचा शोध घेण्यासाठी एक पथक स्थापन केलेलं आहे। त्या पथकामध्ये NPC सुनील, NPC संजय, NPC रोशन, हवालदार विशाल सांगोळे आणि इतर लोक त्या मिसिंग मोबाईलचा शोध घेत असतात। त्यांनी मागे पण असंच शोधून 17 मोबाईल रिकवर केले होते। आम्ही ते ज्यांचे मोबाईल मिसिंग झाले त्यांना ते परत केले होते। त्यानंतर त्यांनी पूर्ण अशीच भरीव कामगिरी केली व यावेळी त्यांनी 11 मोबाईल रिकवर केलेले आहे। ते आज आम्ही माननीय DCP मतानी सर यांच्या हस्ते ते ज्यांचे ते मोबाईल होते त्यांना ते आज परत केलेले आहे। त्याच्यामध्ये आमची एक महिला कर्मचारी आहे, तिचा पण एक मोबाईल मिसिंग झाला होता, तो पण तिला परत करण्यात आला आहे। हे सगळे मिसिंग मोबाईल आहे, हेच आहे, मोबाईल चालू असल्यामुळे ते आपल्याला मिळालेले आहे। ज्यांच्याकडे मिळाले त्यांचा काही असा गुन्हा करण्याचा हेतू नव्हता, त्याच्यामुळे ह्याच्यात काही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही आहे। त्यांनी ते प्रामाणिकपणे मोबाईल परत केलेले आहे आणि याच्यामध्ये जवळपास 2 लाखाचा मुद्देमाल रिकवर करण्यात आलेला आहे। हिंगणा पोलीस स्टेशन की हद में एक आत्महत्या का मामला सामने आया, जहां 27 वर्षीय पल्लवी नागदेवते ने अपने ही घर पर सीलिंग फैन को रस्सी बांध कर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने जांच में पता चला है कि मृतक की मामी और उसके परिवार वालों ने दबाव बनाकर ऐसा करने पर उसे मजबूर किया है। पुलिस ने विजय नागदेवते की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर सुरेख, अंकुश, अर्जुन और नेहा मकेश्वर को गिरफ्तार किया है।